हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च 2019 और यह हमारी 97वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है CVIGIL। यह ऐप हाल ही में चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस ऐप पर आप चुनाव से संबंधित शिकायत पर वीडियो और फोटोज अपलोड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, हाल ही में चुनाव आयोग ने CVIGIL ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में मध्य प्रदेश में किन कक्षाओं को बोर्ड में तब्दील किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है 5वीं और 8वीं कक्षा को। हाल ही में 5वीं और 8वीं कक्षा को मध्य प्रदेश में बोर्ड कक्षा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। आपको बता दें, 2009 तक ये दोनों कक्षाएं बोर्ड कक्षाएं हुआ करती थी, लेकिन 2009 के बाद इन्हें बोर्ड कक्षा से हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर हाल ही में केंद्र सरकार ने इन्हें बोर्ड कक्षा बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है। यह बोर्ड कक्षाएं मध्य प्रदेश में बनाई जाएंगी। तो मैप में आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश को दर्शाती है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में राष्ट्रपति जी ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका सही ऑप्शन है 56 लोगों को। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 56 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। आपको बता दें, पद्म के लिए टोटल 112 लोगों को चुना गया है, जिनमें से 56 लोगों को आज पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद बाकी बचे लोगों को 15 मार्च को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी टोटल 112 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में किसे यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है? जिसका सही ऑप्शन है रघुराम राजन। हाल ही में रघुराम राजन को यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है। आपको बता दें, रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इन्हें यह पुरस्कार मुश्किल समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को दिशा दिखाने के श्रेय में दिया गया है। आपको बता दें, यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र में दिया जाता है और यह यानी यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के नाम पर यह यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है और 2018 का यह पुरस्कार रघुराम राजन को दिया गया है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो मैप में आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दें, ये जगह महाराष्ट्र को दर्शाती है। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गवर्नर है विद्यासागर राव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई धरती ऐप और ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है आवास और शहरी मंत्रालय। हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय ने ई धरती ऐप और ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्री हरदीप पुरी ने इन्हें लॉन्च किया है। इसके द्वारा भूमि का संपत्ति का जानकारी इस ऐप पर मिल जाएगी और इसके द्वारा कंजर्वेशन रिप्लेसमेंट और नाम ट्रांसफर आदि काम भी किए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, आवास और शहरी मंत्रालय ने हाल ही में ई धरती ऐप और ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है प्रियंका दुबे। हाल ही में प्रियंका दुबे को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, प्रियंका दुबे
बीबीसी की एक रिपोर्टर हैं और इन्हें उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, चमेली देवी जैन एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार चमेली देवी जैन पुरस्कार का नाम रखा गया है, जिन्हें 2018 में प्रियंका दुबे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातात्विक संस्थान का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इस संस्थान का उद्घाटन किया है। यह संस्थान 25 एकड़ में फैला है और 289 यानी 289 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें एक ऑडिटोरियम और ओपन एयर थिएटर भी है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो मैप में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें, ये जगह है उत्तर प्रदेश को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। गवर्नर हैं राम नाईक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया है? जिसका सही ऑप्शन है हर्षवर्धन सह ने। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सह ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया है। आपको बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन सह केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अब ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? इस प्लान का मुख्य उद्देश्य उत्सर्जन में कमी करना है और नागरिकों को तापीय राहत प्रदान करना है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में हर्षवर्धन सह ने इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया है और हर्षवर्धन सह केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नागाह सैन अभ्यास शुरू हुआ है? जिसका सही ऑप्शन है ओमान। हाल ही में भारत और ओमान के बीच अल नागाह सैन अभ्यास शुरू हुआ है। इसका आयोजन आज से 25 मार्च के बीच किया जाएगा। आपको याद रखना है, अल नागाह सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2015 में की गई थी। यह इसका तीसरा संस्करण है, यानी 2015, 2017 और अब यह 2019 में इसका तीसरा संस्करण है। अब बात आइए ओमान की, तो मैप में आपको ओमान के बारे में बता दें, ये जगह है ओमान को दर्शाती है। ओमान की राजधानी है मस्कट और प्रधानमंत्री हैं कबूस बिन सईद अल सैद। ओमान की करेंसी है रियाल। तो इतना आपको ओमान के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कैंसर की दवाओं के दाम में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? जिसका सही ऑप्शन है 87% की, यानी 87% की कमी कैंसर की दवाओं में की गई है। आपको बता दें, यह कमी राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य प्राधिकरण ने की है, यानी NPPA ने की है। अब ये NPPA क्या है? तो आपको बता दें, NPPA की स्थापना 1997 में की गई थी और यह बोर्ड दवाओं से संबंधित कार्य करता है। आपको बता दें, दवाओं की कमी पूर्ति आदि का भी मुख्य कार्य NPPA करता है और हाल ही में इसी ने कैंसर की दवाओं में कमी करी है, वो है 87% की कमी NPPA ने की है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि का तारकत्व मापने कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है टोनोमीटर। टोनोमीटर ध्वनि का तारकत्व मापने में उपयोग किया जाता है। अब ये बिस्कोमीटर का उपयोग क्या है? आपको बता दें, बिस्कोमीटर द्रवों की श्यानता मापने में उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर विद्युत विभव मापने में उपयोग किया जाता है और वेवमीटर रेडियो तरंग मापने में उपयोग किया जाता है। तो आपको इन सभी के बारे में इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है?
जिसका सही ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको इतना याद रखना है। एक बार फिर आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद को युवा तुर्क के नाम से, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से, कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से और मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।